दोनों भाई जयमल और फतेह सिंह तैयारी करने लग जाते हैं। जयमल बोला भाई फतेह सिंह चलेंगे, फतेह सिंह बोला जरूर चलेंगे भाई, पर नमस्ते नहीं करने, सीधे पड़ेंगे राज में। दोनों भाई चले जाते हैं वहां, अकबर के बहुत स्वागत करे, ताली बजाई, क्या हो जयमल बैठो, फतेह सिंह बैठो। राजपूत थे, कुछ मदरा पान कर लेते हैं, नशा हो जाता है। वो फतेह सिंह उठ के बाहर आ जाता है, जहां उन्होंने एक कमठाना बना रखा था रहने का। जयमल के सामने अकबर को कहता है चुगल, कि बोला महाराज कि हाँ भाई कि चुगली करूंगा, लेकिन जयमल की मत करना और किसी की कर दिए। नहीं महाराज आप तो रोक लगाते हो, मैं चुगली की तनखा लेता हूँ, आप मेरे को रोक मत लगाओ। लो जयमल बैठे है ना, बैठे है, बहुत सुंदर लड़की है इसके, सुंदर भाई आपके योग है, आप उसे शादी कर लो। अकबर ने लड़ा जयमल सुनी भाई क्या थी इसने, हाँ महाराज सुनी, फिर क्या सलाह है कि जुन सी बात कही इतना कबरिया की समझ मेरे में, पर सलाह मिला के बेरा दूंगा एक बजा लेने दे डेरे, जरा फतेह सिंह है उड़ा जाकर मैं सलाह मिलाऊंगा, फिर तक तेरे छोरी ने बेरा दूंगा। वो जयमल वहां से चल बूंद का उठ करता है फतेह सिंह के पास, जरा फतेह सिंह है कि हाँ भाई लवी सिर तार लिया के क्या खबर नहीं न्यू बोलिया कि सुंदर भाई का डोला दे दे। जोश भर जाता है फतेह सिंह का, और वहीं से एक पत्र लिखता है अकबर के नाम, के लिखा बोला ले।
लिखा कितनी से थे दोगे के छोरी विद्यादी पानी विद्यादी के नाता बनया क्या लिखा बोला Oh, man.